तो फूलन की प्रतिमा से ब्लड प्रेशर बढ़ा है, जिंदा फूलन होती तो अगवाड़ा और पिछवाड़ा गीला हो जाता, उनकी चड्डी भी गीली हो जाती। तो फूलन देवी की प्रतिमा से जिनको डर है, तो जिंदा फूलन होती तो भागने का राह नहीं मिलता। ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, जब नदियों में पर अल्लाह नीचे मल्ला। यहाँ तक कहता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट जिसके साथ उसकी सरकार। अरे देखी वो 3.5% 3.5% के वो है जेकर बतिया आप करता था पूरे उत्तर प्रदेश। पूरे उत्तर प्रदेश का हम जातिगत समीकरण का हमेशा बताओ था इतना परसेंट। अब ऐसा है लोहार कुहार सोनार के तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी कुजरा कसाई हो जात हो गुजर के लड़के लड़कियां कड़ी मेहनत करके जो आईएएस बने थे ढोल नगाड़ा उनके घर में बचा और मिठाई बांटी गई, लेकिन क्रिमिलेयर का गलत परिभाषा करके उन घरों में आग लगाने का मोदी जी ने काम करवा दिया। अभी आप भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, योगी जी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, सुनिएगा। हाँ हाँ हाँ। कल को आपके मुँह के सनी चल जाएंगे, भाजपा के साथ गठबंधन कर लेंगे, फिर आप ही कहिएगा योगी मोदी तब। अरे ऐसा काहे, बिहार में तो ऐसा ही हुआ, ऐसा नहीं हुआ बिहार में। अच्छा ये बताएं, लंका पर विजय किसी ठाकुर बाभन ने नहीं दिलवाया था, वो बानर कौन होते हैं? चिराग पासवान। साध और आदिवासी होते हैं। तो जब हर दसवें बरस में ST ST की जनगणना होती है, धार्मिक अल्पसंख्यक सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी रेसलर की होती है, और 2011 में ट्रांसजेंडर हिजड़ों की जनगणना कराई गई और रेसलर की दिव्यांगों की कराई गई, तो ओबीसी की जनगणना कराने में मुकेश सहनी की राजनीति शुरू हुई थी कि हम मल्लाहों को ST ST वाला आरक्षण दिलवाएंगे। देखिए आज बोले थे कि नहीं बोले थे, जो निषादों को आरक्षण देगा हम उससे गठबंधन करेंगे, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। 2022 का मिशन बड़का है उत्तर प्रदेश का। रुकिएगा यहीं पर जरा सा। जी जी, नीट में आरक्षण खत्म हो गया ओबीसी का, आपका पिछड़ी जाति वाला आरक्षण खत्म हो गया, उसको बचाइए पहले, उसके बाद ST ST वाला लीजिएगा। जवन सरकार का भाजपा सरकार, कोई भी सरकार हो, बोलिए तो डरते का है। आज तो भाजपा का सरकार है ना। देखिए आपकी पार्टी के जो नेता है बिहार में जी, तो भाजपा के साथ है। देखिए वो भाजपा के साथ नहीं, वो मजबूरी पैदा कर देवल गई। रावण का दोस्त का था, अरे रावण भाई वो करे बहन की नाक राम ने लक्ष्मण से कटवा दिया, और बताओ कि नाक काटने का काटे और रावण केवल उठा के ले गया लंका को। चल जाएगा अंदर, चल जाएगा आपको योगी जी जेल भेज देंगे। बब्बन यादव मगध विश्वविद्यालय, शरद यादव जबलपुर विश्वविद्यालय, लालू प्रसाद यादव पटना विश्वविद्यालय, और डॉक्टर उमाशंकर यादव काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उनका हम शिष्य हैं, और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म है 93 के। अरे मास्को वाले हैं। अरे मास कम्युनिकेशन। समाजवादी के साथ गठबंधन करिएगा। अब ऐसा है मैं कह दिया ना, टोपिया लाल लाल है। लखनऊ का कार्यालय है VIP पार्टी का, जिसके नेता बिहार में मंत्री है मुकेश सहनी, चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, और आज बवाल हो रहा है उत्तर प्रदेश में इनकी पार्टी के द्वारा। देखिए ये नेताजी है, क्या नाम हुआ आपका? चौधरी लोटन राम निषाद, प्रदेश अध्यक्ष विकासशील इंसान पार्टी। अब आराम से बताइए कि आप लोग आज बमकल का है योगी जी पर, ये बताइए। हम हन योगी जी पर ये मारे बमकल बारिया कि हम हन अपने वीरांगना बहन फूलन देवी की, जवन की वास्तव में रणचंडी हैं, वास्तव में दुर्गा ही हमारी बहन बेटी के ई संदेश देवे का काम कहनी कि महिला जवन है, नारी जाति जवन है, ये कमजोर ना है, ये हाथ में चूड़िया ना पहनेनी, जब समय आई तो अपने हाथ में तलवार भी लेकर के आततायन दुराचारियन के रास्ता से हटा दी हैं, और जरूरत पड़ी तो जौने हाथ में वो चूड़ी पहनेनी, जौने हाथ से बेलन चलावेनी, वो हाथ से जवन है कि वो जो है बंदूक और राइफल रिवाल्वर भी चला सकेनी। वीरांगना बहन फूलन देवी जी के साथ ब्याहमई में सामंती जाति के आततायन ने 22 दिन तक उनके आबरू के लूटे का काम कही ने, कुआं से नंगा करा के पानी खिंचवावे का काम कही ने। हमार बहन वीरांगना फूलन देवी जी जेके की विश्व का चौथी क्रांतिकारी महिला का खिताब प्राप्त बा, देश में पहली महिला का खिताब, क्रांतिकारी विद्रोही महिला का खिताब प्राप्त बा, और वीरांगना बहन फूलन देवी धरन में लटक के, पेड़ में लटक करके, दुपट्टा में अपनी गर्दन फंसा के, आग लगा के, जल के मर के आत्महत्या करके जो है गाली सुनने का काम ना कहनी। उन आतताइयों को बाबा मुस्तकीम के मदद से वही बेहमई गांव में लाइन में खड़ा के रास्ता से हटावे का काम कहनी। अगर हम पूछल जा चाहता नहीं कि दुर्गा जी का नवरात्र में पूजा 9 दिन तक होला, उनका पंडाल लगेला, बड़ बड़ मूर्ति लगेला, और महिषासुर के जवान है तवन वो भैंसा का तस्वीर दिखावल जाला। महिषासुर तो जवन है झारखंड प्रदेश में एक सावा तल एक स्थान था, वहाँ के वो राजा थे। अच्छा। नहीं कुर्मी काछी का हो, चाहे लोहार कुहार सोनार का हो, चाहे तेली तुम्हारी बराई हो, वो जातियन के
से संबंधित वो आदिवासियन का राजा रहे, हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी ने आम जनता के तो नहीं मरनी, और जे उनका आबरू लूटल, उनके साथ बदतमीजी कैलस, उनके बिहल में जा करके एक सामान्य गरीब परिवार में पैदा भैल रहनी। देवी दिन एक बहुत ही गरीब मूला देवी परिवार के रहे, जो मजदूरी करके किसी तरह अपन घर परिवार चलावत रहना। अगर फूलन देवी के आबरू के लूटल गयल तो उन्होंने बिहल में जाने के लिए सामंती व्यवस्था का लोगों ने मजबूर किया। अब आज उत्तर प्रदेश में सन आप मल्ला मुकेश सहनी जी के द्वारा 22 थे बड़ बड़ मूर्ति देखी, कितना लंबा लंबा मूर्ति, इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति आई थी, और पुलिस प्रशासन का दोष हम नहीं देते हैं, न हम जिला प्रशासन का दोष देते हैं। जवन शासन का निर्देश होला, जवन सरकार का निर्देश, कोई भी सरकार हो, बोलिए तो डरते का है। आज तो भाजपा का सरकार है ना, डबल इंजन की सरकार है, तो हमारे प्रशासन के लोग जो होते हैं वो भी हमारे भाई भतीजा ही हैं, हमारे ही घर परिवार के लोग हैं। कितना मेहनत करके कंपटीशन का तैयारी करके लोग डॉक्टर इंजीनियर बने ना, चाहे आईएएस पीसीएस बनते हैं, चाहे पुलिस का। देखिए आपकी पार्टी जो नेता है बिहार में जी, भाजपा के साथ है। देखिए वो भाजपा के साथ नहीं, वो मजबूरी पैदा कर देवल गई कि वो राजक गठबंधन के अंग बनल हैं, और वहाँ बिहार सरकार में जवन हमारे परंपरागत पेशा रहे, जवन जलकर का समस्या रहे, सन आप मल्ला मुकेश सहनी जी जब वहाँ पर पशुधन और मत्स्य संसाधन मंत्री बनल रहे, हजारों की संख्या में बड़ी बड़ी सामंती जाति वाले लोग जवन हमारे तालाबे पे कब्जा करके हमन के बधुआ मजदूर बनौले रहना है, और आज मुकेश सहनी के मंत्री बनने से वहाँ तमाम समस्या का समाधान। मुकेश सहनी की राजनीति शुरू हुई थी कि हम मल्लाहों को SC ST वाला आरक्षण दिलवाएंगे। देखिए आज बोले थे कि नहीं बोले थे, आज बोले थे कि नहीं, आज भी नहीं बोले थे, आज भी सन आप मल्ला मुकेश सहनी जी जब 2 जुलाई को जो है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की धरती पर पदार्पण किए, और यहाँ के लखनऊ के एयरपोर्ट से 2400 गाड़ियों के जत्थे के साथ हम लोगों ने इस कार्यालय का उद्घाटन किए थे, ताज होटल में उन्होंने खुला तौर पर कहा, जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, जो निषादों को आरक्षण देगा हम उससे गठबंधन करेंगे, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। 2022 का मिशन बड़का है उत्तर प्रदेश का। रुकिएगा यहीं पर जरा सा। जी जी, नीट में आरक्षण खत्म हो गया, OBC का आपका पिछड़ी जाति वाला तो आरक्षण खत्म हो गया, उसको बचाइए पहले, उसके बाद SC ST वाला लीजिएगा। देखिए देखिए उस पर तो कुछ बोलिए ना आपके नेता। अरे हम हमार बात सुनी, लौटन राम निषाद के सामाजिक न्याय का एक सिपाही के रूप में जाना जाला, और हमके जितना दर्द निषादे का बा उतने सब जाति का पिछड़ा दलित वंचित अकलियत पसमानदा समाज का बा। हम समय समय पर आंदोलन करीला, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर का मामला आयल हो है, चाहे कोटा में कोटा वाला मामला आयल हो, हर मुद्दे पर हम लड़ीला, और जो नीट में हमन पिछड़न के शून्य कोटा कर दिया गया है, हम नीट को लेकर के जल्द ही आंदोलन चलाने वाले हैं, और संसद 2021 में जब SC ST की जातिवार जनगणना होती है, 1871 में पहली बार जनगणना ब्रिटिश हुकूमत ने करौला, 1931 में लास्ट हुई, तो जब हर 10वें बरस में ST ST की जनगणना होती है, धार्मिक अल्पसंख्यक सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी यहूदी रेसलर की होती है, और 2011 में ट्रांसजेंडर हिजड़ों की जनगणना कराई गई, और रेसलर की दिव्यांगों की कराई गई, तो OBC की जनगणना कराने में ये पिछली कांग्रेस सरकार ने 2011 में वादा खिलाफी किया, गद्दारी किया, और ये मोदी जी मोर घाची बिरादरी के हैं, ये गुजरात के, और अपने को कहते थे मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मैं बड़े गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, और मैं चाय बेचता था ट्रेन की बोगियों में। अरे बड़ नगर में जहाँ पैदा हुए मोदी जी, और जब 17 बरस की अवस्था में तू घर छोड़ देहला, शायद 1950 में पैदा भेल है, तो जब 1978 के बाद वहाँ रेल का लाइन गई तो कौने रेल के बोगी के डब्बा में चाय बेचत रहे। अरे ये लोग इतना न छल कपट झूठ फरेब जुमलाबाजी के राजनीति करते हैं कि वोट लेना हुआ तो मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मेरी माँ दूसरे के घर में चौका बर्तन करती थी, झाड़ू पोछा करती थी। अगला 10 बरस जो है ये 11 अक्टूबर 2013 को अमृतानंदमयी देवी जी का जो केरला में आश्रम है, कोच्चि में स्थित है, उन्होंने कहा कि हम राजनीति में हम भी बहुतों के लिए अछूत हैं, लेकिन अगला 10 बरस पिछड़ों और दलितों का होगा, और जब से ये सरकार में आए हैं तब से पिछड़ों और दलितों के आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है, संविधान को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, अनुच्छेद 341 342 340 के साथ छेड़खानी हो रही है, और पिछड़ों को आरक्षण से वंचित करने के लिए नई क्रिमिलेयर की पॉलिसी अपनाई जा रही है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो क्रिमिलेयर की नई पॉलिसी
सी तय करके और 314 हमारे लड़के लोहार कुहार सोनार के तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी कुजरा कसाई हो जात हो गुजर के लड़के लड़कियां कड़ी मेहनत करके जो आईएएस बने थे ढोल नगाड़ा उनके घर में बचा और मिठाई बांटी गई और लेकिन क्रीमिलेयर का गलत परिभाषा करके उन घरों में आग लगाने का मोदी जी ने काम करवा दिया। डीओपीटी के द्वारा जो है हमारे आईएएस बने हुए लड़के आज कहीं आईएएस होते कहीं एसडीएम भी होते अगर ट्रेनी एसडीएम भी होते लेकिन उन घरों में अंधेरा करने का काम किया गया। अरे मोदी जी जो कहते हैं हमको तो लगता है कि झूठे कहते हैं। जब इलाहाबाद में आए हाँ हम तो निषाद राज की धरती को नमन करते हैं 16 बार नाम लिए लेकिन निषाद मछुआरों के साथ ये वादा किए थे कि 2014 में हमारी सरकार बनेगी फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किए थे मछुआरा दृष्टि पत्र जारी किए थे और जब सरकार बन गई तो निषाद मछुआरों का प्रस्ताव जो पिछली सरकारों ने केंद्र को भेजा था तो आरजीआई से उसे निरस्त कर दिया गया। तो इस तरह के जो अन्याय हो रहे हैं हमारी भी ये मांग है कि एससी एसटी की तरह ओबीसी की जातिवार जनगणना होनी चाहिए और सभी चाहे आपकी तो गिनती बिहार में हो गई और देखिए हमें समानुपाती आरक्षण हर स्तर पर कार्यपालिका में नहीं है। हाँ। बड़ी देर से बोल रहे हैं बिहार में जो मांग है कि एससी एसटी में शामिल किया जाए मल्लाह को जी तो इसके लिए नीतीश कुमार ने एथनोग्राफिक रिपोर्ट बनवाए उसको भेजे और केंद्र सरकार मोदी सरकार रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आपके जो मुकेश सहनी है मोदी कर रहे हैं बिहार में देखे मोदी तो नहीं करते हम तो कभी नहीं सुने भाई ऐसी कहे कि आप लपेटे में झूठे डाल रहे हैं। भाजपा के साथ है तो मोदी भाजपा के साथ हमारा काम हो रहा पहले तो नहीं आर्थिक रूप से हमारे लोग मजबूत हो जाए और जलकर पर अधिकार हमन का हो जाए ना तो हमन अंग्रेजन के देश के आजादी खातिर डुबाई के सत्ती चौरा घाट पर हो चाहे कानपुर मथुरा में हो चाहे मेरठ में हो अंग्रेजन के डुबाई के मार दहली जा देश से निकाला कर दहली जा तो 2022 में पहले शुरुआत होगी ना मिशन 2022 में वादा खिलाफी करे वाला जोगी इस बार योगी जी सरकार बनाइएगा आप लोग काहे को जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे खाली वोट लेने के लिए राम और निषाद राज की मित्रता की बात करोगे कि राम की नैया तो निषाद राज ने पार किया था अरे लंका पर विजय किसी ठाकुर बाभन ने नहीं दिलवाया था वो बानर कौन होते हैं चिराग पासवान निषाद और आदिवासी होते हैं कोल किरात भील होते हैं और उन बानर सेना के लोगों ने लंका पर विजय दिलाया और एक बात बड़ी खटकती है यार कि बताइए वो ये रावण का दोस्त का था अरे रावण भाई वो करे बहन की नाक राम ने लक्ष्मण से कटवा दिया अब बताओ कि नाक काटे और रावण केवल उठा के ले गया लंका को चल जाएगा अंदर चल जाएगा आपको योगी जी जेल भेज देंगे आपको। जो सच्चाई है मुझे वो कहना है हम लोग भी संविधान में विश्वास रखते हैं लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं कि बताइए कि भाई रावण का कौन सा दोस्त था यही ना कि उठा के छोड़िए रावण वाला आप ये बताइए कि इतनी ऊंची प्रतिमा जरा प्रतिमा दिखाएगा अरे प्रतिमा को हम देखे हाँ। हम अपने भाई हैं हाँ। जो पुलन देवी जी की प्रतिमा है हाँ। ये दिखा सकते हैं नहीं, हम देखिए हम लोकतंत्र और संविधान विश्वास मतलब दिखा सके उसको हटा भी नहीं सकते अपने भाइयों का हम नौकरी खतरे में नहीं डाल सकते हम तब ऐसे दिखा दिए कितनी प्रतिमा 17 फुट तो इसको क्यों नहीं दिखा पा रही अब ऐसा है कि ये हो गया है कि प्रतिमा को खोल नहीं सकते स्थापित नहीं कर सकते माल्यार्पण नहीं कर सकते अरे क्योंकि ये सरकार दहशत में हो गई है अरे जिंदा फूलन होती आज तो फूलन की प्रतिमा से ब्लड प्रेशर बढ़ा है और जिंदा फूलन होती तो अगवाड़ा और पिछवाड़ा गीला हो जाता उनकी चड्ढी भी गीली हो जाती तो फूलन देवी की प्रतिमा से जिनको डर है तो जिंदा फूलन होती तो भागने का राह नहीं मिलता तो आज इसीलिए टेंशन में आप टेंशन में हमन नहीं है अरे हम लोग इनर्जेटिक पावर बढ़ गवा है जोर जुल्म और अत्याचार अब ना हमको सहना है और जिन आंखों में आंसू है चिंगारी उसमें भरना है ये ऐलान जंग है। अभी आप भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं योगी जी के खिलाफ भी बोल रहे हैं सुनिएगा हाँ, हाँ, हाँ। कल को आपके मुकेश सहनी चल जाएंगे भाजपा के साथ गठबंधन कर लेंगे फिर आप ही कहिएगा योगी मोदी तब अरे ऐसा कहे बिहार में तो ऐसा ही हुआ ऐसा नहीं हुआ बिहार में अच्छा ये बताई लालू का बेटा हमारा भतीजा अगर तेजस्वी यादव दगाबाजी कलाबाजी गद्दारी नहीं किए होते अगर सबकी सीट बांट दे दिए सीपीआई के दे दिए माले के दे दिए सीपीएम की दे दिए कांग्रेस को 70 कांग्रेस को तो 2500 सीट नहीं देना चाहिए 70 सीट दे दिए और सना मल्ला मुकेश सहनी जी का जब मौर्या होटल में प्रेस वार्ता चल रही थी तो कहें 3 दिन के बाद बताएंगे तब ब्रह्मपुर छपरा बबुआ रोहतास वाली पहले चरण के जब नामांकन का दूसरे दिन लास्ट डेट रहा है तो सना मल्ला क्या मछली मारते का तो कहा जाता
जाता है कि जो करोड़ों रुपया बर्बाद किया राजद गठबंधन महागठबंधन को मजबूत करने के लिए, और उन्होंने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया और जिन्होंने हाथ मिला लिया, तो आज तेजस्वी को सबक मिल गया कि आज मुख्यमंत्री होना चाहिए पूरी देश की ही नहीं विश्व की। मीडिया यह चिल्लाती थी कि अब मोदी का जो जादू चलने वाला नहीं है, 40 हेलीकॉप्टर काम आने वाला नहीं है, एक लवंडा वही लालू का बेटा इन लोगों को जवाब देगा। लेकिन तेजस्वी की एक छोटी सी गलती कि सन ऑफ मल्ला को नहीं निषाद समाज के साथ ब्लैकमेलिंग किया तो आज विपक्ष का नेता बन गया। यूपी के जो मल्लाह के नेता हैं जिनको अखिलेश यादव सांसद बनाए, बता रहा है ना, एक गोरखपुर में कहावत कहा जाता है गोरखपुर वाले कि ऐसा कोई सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। वो बेईमान 2017 में कहा हमारे गरीब गुरबा समाज के जो है कि बकरी और भेड़ बेचवाई दिया, गाय और भैंस बेचवाई दिया कि अखिलेश यादव जाएंगे और लोक भवन जो बना रहे हैं ये निषाद पार्टी का अध्यक्ष ये संजय निषाद मुख्यमंत्री बनेंगे और ब्लैकमेल करके हमारे समाज को लूटने का, लठिवाने का, पिटवाने का और फिर इनको जेल में भेजवाने का और अखिलेश निषाद की हत्या कराने का काम चर्चा में आने के लिए किया। आज संजय निषाद और योगी की गलबहिया के कारण वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा नहीं लग पाई है। आज वो व्यक्ति बताइए, समाजवादी पार्टी ने 2018 के उपचुनाव में गोरखपुर से चुनाव जिताया, अपने स्वार्थ के लिए 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में भाजपा के साथ चला गया। पहले आरक्षण की बात करता था, अब कहा प्रवीण निषाद को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाओ, हमें जो है कि प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाओ, MLC बनाओ, फिर कहा डिप्टी का वो उप मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा डिप्टी CM का फेस घोषित करो। अब तनी आशा हुई तो अब कह रहे हैं कि मंत्री बनाओ। अब MLC का चार्जशीट खाली है ना, अब उसकी लालच में बेचारा कभी भाजपा निषादों की सबसे बड़ी दुश्मन है, दूसरे दिन बयान आ जाता है कि भाजपा निषादों की बहुत बड़ी हितैषी और मित्र है, या जो है प्राकृतिक संबंध है। राम और निषाद राज का जैसा संबंध था यह संजय निषाद का और जोगी बाबा का वैसा ही संबंध है। तो जो आरक्षण के बिना हम लोग किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। जोगी बाबा जो कसरवल में सात जून 2015 को घटना हुई, अखिलेश निषाद मारा गया, तो जोगी बाबा ने समर्थन किया था कि निषाद आरक्षण आंदोलन का मैं समर्थन करता हूं। और 3 जुलाई 2015 को उन्होंने गोरखपुर के निषाद मछुआरा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कहे थे कि हम अब भारतीय जनता पार्टी ही निषाद मछुआरों की आरक्षण की लड़ाई लड़ेगी। और जोगी जी आ गए और हमारे अधिकारों को छीन लिए। समाजवादी के साथ गठबंधन करिएगा। अब ऐसा है, मैं कह दिया ना, टोपिया लाल लाल है। अरे जो हमारी सुने टोपिया लाल लाल, हम किसी के नहीं। अगर जो देखेंगे, हम पहले अपने संगठन को मजबूत करना है, VIP पार्टी के जनाधार को बढ़ाना है, और जिससे हमारी विचारधारा मिलेगी, हमारे समाज की भलाई दिखाई देगी, अगर वह पहल करेगा। हम किसी के कटोरा लेके भीख मांगने जाएंगे? हमें याचक नहीं बनना है, हमें शासक बनना है। अगर कोई गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाएगा तो हम विचार करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की राय लेंगे, फिर चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, भाजपा उससे गठबंधन। अरे भाजपा दे 2022 से पहले, अब 4-5 महीना का समय है, मानसून सत्र आने और शीतकालीन सत्र आने वाला है। अगर फिशन मैन विजन डॉक्यूमेंट्स के संकल्प को पूरा कर दें, अब मझवार तुरैया गोंड को परिभाषित करके, अगर मल्लाह केवट बिन धीवर का हर गोड़िया तुरहा बाथम माझी रायखवार को अनुसूचित जाति का दर्जा दे दें, और हमारे जल से जुड़े हुए बालू मोरंग खनन मत्स्य पालन का अधिकार हमारा दे, तब हम विचार करेंगे कि हम एक बार और धक्का देने का काम करेंगे। और नहीं तो 2022 में ना हम राम की नैया को पार लगाए थे, लेकिन भाजपा की नैया को हम डुबाने का काम करेंगे। डुबा दीजिएगा, डुबा देंगे। 12.91% वोट का कुछ महत्व होला, 157 सीट ऐसा बानी। यहाँ तक कहता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट जिसके साथ उसकी सरकार। अरे देखिए वो 3.5% 3.5% के वो है जेकर बतिया आप करा था रहा पूरे उत्तर प्रदेश। पूरे उत्तर प्रदेश का हम जातिगत समीकरण का हमेशा बताओ था इतना परसेंट। अब ऐसा है मीडिया हमार बाय प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बताई, 700 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। एगो वो बेईमान जो रुपया पे चलता है हमारा भाई, हमको हमारा कटघरा में खड़ा कर दिया दीपक चौरसिया, एगो प्रदीप विश्वकर्मा है, केवल यही पिछड़े वर्ग के दो 700 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, दो ठो हमारे पिछड़े वर्ग के हैं। तो ब्यूरो चीफ कौन है आप पता करो, संपादक कौन है, समाचार संपादक कौन है? तो जब जो भाई जिसके हाथ में कलम रहेगी वही कलम का प्रयोग करेगा।
विषय ना, तो हम 12.91% हैं। और 12.91% उत्तर प्रदेश में 3-4% के वोट के मतांतर से सरकार बनती और बिगड़ती है। 3% तो ब्राह्मण वोट ही नहीं कर देगा। तो ऐसा है, उनका वोट का कवन है, हमन पौआ ना है जा, हमन झौआ है जा। आ झौआ रख देवल जाई ना तो बहुत जाने का कमर टूट जाई। ये ताकत वोट का ताकत है लोकतंत्र में। आ 2%, 3%, 4% का बात अब करना ही का है। हमें अपने लगभग 13% वोट को सहेजना है। इतना मुखर आप हैं, आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो रहते ना बहुजन मुद्दे पे, तो बहुत और अच्छी पॉलिटिक्स वो कर सकते। आता हम मिलने गए हैं, अगर वो राम है तो हम लक्ष्मण हैं। और राम और लक्ष्मण मिलकर के उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति ही अब नहीं बदलेंगे। अब भविष्य में हम लोग देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेंगे। यूपी बिहार ना केंद्र का सरकार बना वाला बिगाड़ेला, तो यूपी बिहार का गठबंधन हो गया है, बिहार में भाजपा से हो गया है। 2022 में ना इंसाफी करने वाले, वादा खिलाफी करने वालों को हटाना है। अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो 2024 में देश की गद्दी से मोदी जी को जो है गुजरात में भेजना है। भेज दीजिएगा। अरे भेज देंगे भाई, अगर ना करिए तो भेज ना देव। हम ही नैया उनकर पार करी, जब ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, जब नदियों में पर अल्लाह नीचे मल्ला। अरे जातिगत समीकरण भैया, अब देखा पूरा एथनोग्राफिक रिपोर्ट रखे हुए। अरे हमारे पास पूरा एथनोग्राफिक, हमको नो थोड़ा ही मच्छर मरवा, थोड़ा ही नाव चलावे वाला, खाली थोड़ा ही हमारे माई बाबू नाव चलो ना मछली मर ना खेत खलिहान में काम कही ना, हम यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट बाड़ी। बता दीजिए पूरा परिचय कहाँ पड़े। चौधरी लोटर राम निषाद, मैं काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जो देश के एक सम्मानित विश्वविद्यालय मानता है, जो तमाम नेता को पैदा करने का काम किया, और उत्तर प्रदेश के पहले पिछड़े वर्ग के और देश के चौथे जो है पिछड़े वर्ग का विश्वविद्यालय छात्र संघ का कोई अध्यक्ष हुआ था, डॉक्टर उमाशंकर यादव का मैं शिष्य हूँ। बब्बन यादव मगध विश्वविद्यालय, शरद यादव जबलपुर विश्वविद्यालय, लालू प्रसाद यादव पटना विश्वविद्यालय, और डॉक्टर उमाशंकर यादव काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, उनका हम शिष्य हैं। और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म है 93 के। अरे मास्कों वाले हैं। अरे मास्क सर, वो समय पत्रकार बनने इतना कठिन, बहुत कठिन काम रहा है। 80 गो सीट पूरा उत्तर प्रदेश में रहा है, 3 गो यूनिवर्सिटी केवल बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का डिग्री देता रहा है। और उस समय का मैं प्रोडक्ट हूं और संकल्प लेकर उस समय चला था, उस समय जाना था नहीं पत्रकारिता का कितना सम्मान रहा है। तो पीत पत्रकारिता हो गई है ना, पहले हमारे जुनून उड़ा है, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, और कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। और 10-10 के पत्रकार देखनी ना, जहां जवन हता ना वो दिल्ली का एयरपोर्ट बेच गया, लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी एयरपोर्ट हो गया, रेल का निजीकरण हो रहा है, बैंकों का देख रहे हैं विलयीकरण हो रहा है। अरे निजीकरण हो रहा है, और निजीकरण करने के पीछे मकसद क्या है, ओबीसी जैसे कहा था ना नितिन भागवत जी कहे थे और नितिन गडकरी जी कहे थे, हाउ सुब्रमण्यम स्वामी कहे थे कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे लेकिन आरक्षण को इस स्तर पर पहुंचा देंगे, नहीं रहे मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो निजीकरण या हमारे ओबीसी एससी के आरक्षण को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। अब पिछड़ा दलित यह समझ गया है, हम अपने सामाजिक न्याय के लिए जो संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) के तहत, 330, 332 के तहत जो हमें अधिकार मिला है, उस अधिकार को लड़ना है। और ओबीसी का मैं नेता हूँ, तो एससी एसटी को समानुपातीय आरक्षण मिलता है, तो एससी ओबीसी को भी समानुपातीय आरक्षण मिलना चाहिए। क्रिमी लेयर की जो बाध्यता है उसे खत्म करना चाहिए। और कार्यपालिका में ही नहीं, हमें शिक्षण संस्थानों में ही नहीं, खेलकूद सब जगह, अरे हमें विधायिका में आरक्षण मिलना चाहिए भाई, संसद और विधानसभा में आरक्षण मिलना चाहिए। वो तो मिल ही रहा है, वहां तो ले लिया गया ना। अब अगली लड़ाई हमारी है सभी वर्ग जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोगों को, या जो वर्गीय क्लास विभाजन किया गया है ओबीसी एससी एसटी का, समानुपाती आरक्षण व्यवस्था हर स्तर पर लागू होनी चाहिए। और डाइवर्सिटीज रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत निजी क्षेत्रों में भी हमारा आरक्षण मिलना चाहिए। इतना आपके नेता कहन बोलते हैं मुकेश? देखिए अब, अरे भाई हमसे मिल गए हैं ना, हम ट्रेंड करेंगे ना, हम लोग मुकेश सहनी को ट्रेंड करेंगे। अरे हमारे भाई हैं, अरे हमारे वो तो पद में हमसे बड़े हैं लेकिन उम्र में हमसे छोटे हैं ना, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, कुछ उनसे हम सीखेंगे, कुछ वो हमसे सीखेंगे। तो डाइवर्सिटीज रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत हम हर स्तर पर निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की मांग करें। अच्छा, निजी या पब्लिक का मतलब जाने लगा आप, कितने लोग जानते हो
जब 49% पूंजी लगती है सरकार की, 51% पूंजीपतियों की, अडानी और अंबानी की लगती है, तो वह निजी क्षेत्र माना जाता है। अगर सरकार की 51% पूंजी लगती है और इन बेईमान देश को लूटने वाले लोगों की 19% पूंजी लगती है, तो उसे पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। तो हमें पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, जहाँ मेहनत हम करते हैं, जहाँ हम सेल टैक्स आरक्षण चाहिए, इनकम टैक्स देते हम लोग हैं, तो हमें हर स्तर पर समानुपाती का आरक्षण मिलना। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। अरे रे, हो गया हो गया हो गया। चौधरी लौटा राम निषाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकेश सहनी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सनफ मल्ला, मुकेश सहनी, जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गया, अब हम बोले हो गया हो गया। देखिए, ये है लौटन राम निषाद, प्रदेश अध्यक्ष वीआईपी पार्टी। इधर देखिए कार्यालय है, कार्यालय दिखाइए इनका। वीआईपी पार्टी लखनऊ का कार्यालय, उत्तर प्रदेश का ये मुख्य कार्यालय। और यहाँ बड़ी सी प्रतिमा जो ढकी हुई है, वो वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा है, जिसे लगाया नहीं, लगाने नहीं दिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगह लगाना था, 18 जगह में कहीं भी लगाने नहीं दिया गया। इसका विरोध ये लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार को इस बार आने नहीं देंगे। तो इनकी बातचीत कैसी लगी आपको बताइएगा जरूर। और फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया तो शेयर करें, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए हैं तो कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो, हमारे सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय निषाद राज, जय संविधान, जय भारत।